नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे संवाददाता रिजवानुद्दीन की इस खबर पे डालते हैं। एक ही लाइन में आने से दो सर्विस ट्रेनों की आमने सामने की टक्कर में ट्रेन के उड़े पर खच्चे, 11 लोग गंभीर रूप से घायल। खागर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें दो सर्विस ट्रेनों की भिड़ंत में लगभग 12 कर्मचारी घायल हो गए। वहीं आपको हम बता दें कि GMR कंपनी के लोको मालगाड़ी व L&T टावर कार में हुई जोरदार टक्कर। बाईपास रेलवे लाइन के कार्य में लगी सभी कर्मचारी, आपको बता दें L&T गाड़ी में सवार होकर पटरियों को चेक करने का चल रहा था कार्य और अपलाइन में दोनों गाड़ियां आने से हुआ हादसा। रेलवे की पटरियों को प्रयागराज से कानपुर की ओर ले जा रही थी लोको माल गाड़ी। घायलों की नज़दीकी अस्पताल में CHC में इलाज कराया जा रहा भर्ती, जहां से गंभीर रूप घायल 8 लोगों को जिला अस्पताल भेजा रिफर। जब ये मतलब ब्लॉक दिए थे कोई, लेकिन ये जब कर में गाड़ी दिखी है ना, दोनों इमरजेंसी ब्रेक लगाए लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए कर, क्योंकि वो पुल के पास देखे हैं गाड़ी उसके, मतलब इतना इमरजेंसी देने के बाद भी सब गाड़ी रुक। क्या ये दोनों गाड़ी एक ही पटरी पर ट्रेवल कर रही थी? एक ही पटरी। लगभग कितने लोग घायल हुए? घायल तो 8 लोग। वो उससे 4 लोग, क्या स्थिति है उनकी? 4 लोग तो मतलब काफ़ी तरह से बुरी तरीके से, 2 लोग तो बहुत बुरी तरीके से घायल हैं और बाकी सभी घायल हैं। कौन कौन थे इसमें? वही मतलब इसमें ड्राइवर कर्मचारी वगैरह थे। आपके पर्चे? हम लोग मेन लाइन ये काम कर रहे थे। धन्यवाद। मामला घटने का मामला ये इधर से आई है गाड़ी, ये वाली इसको हम नहीं देखा। अच्छा, अभी दोनों कंट्रोल किए, कंट्रोल नहीं हो पाई गाड़ी, बस तुरंत लड़ गई। कहाँ पे लड़ी? बस जैसे लड़ी तो है, अब देखो ना खड़ी। तो आप मौके पे थे, घटना स्थल पर मौजूद? लड़ी तैसे हम लोग दौड़ दौड़ के आ चुके हैं इसी जगह पर, सबको निकाले हैं हम। अच्छा, ये क्या स्थान है, इसको क्या बोला जा रहा है? बाबा के पीछे। अच्छा।